नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर, जो बच्चे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से अपना एग्जाम दिया था। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी कि इस वीक के अंदर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आ जाएगा, और हमारी जो वीडियो की जो प्रिडिक्शन थी और हमारे जो इंटरनल सोर्सेस थे उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक काम किया और आप लोगों का रिजल्ट आ गया। तो गाइस, जैसे ही बच्चों का रिजल्ट आउट हुआ तो काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स और काफी बच्चों के फोन कॉल्स मेरे पास आए कि रिजल्ट में बहुत अजीब चीज देखने को बच्चों को मिली, जिसके कारण बच्चे काफी परेशान है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बात करेंगे कि इन बच्चों के साथ जो जो प्रॉब्लम्स आई है उन प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है ताकि उन बच्चों का जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाए। गाइस, जैसे रिजल्ट तो आ गया है, बहुत अच्छी बात है, बट देखिए, जहां तक मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने जो परसेंटेज है अमूमन वो जो दिया जाता है वो परसेंटेज भी बच्चों को नहीं दिया, और बच्चों का जो परसेंटेज है कंपैरेटिवली बहुत कम बना है, जैसे कि मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि काफी बच्चों का जो रिजल्ट है उसमें RLE शो है। तो काफी बच्चों का मेरे पास कॉमेंट्स भी आया है, व्हाट्सएप भी किया है, फोन कॉल्स भी किया है कि सर RLE है और नीचे लिखा हुआ है कि रीअपियरमेंट। गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि RLE का मतलब क्या है। रिजल्ट आपका मतलब होल्ड पे है और उसको अगर आपने जो भी उसका डॉक्यूमेंट, देखिए RLE का मतलब होता क्या है कि आप लोगों का जो माइग्रेशन है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के पास नहीं पहुंचा है, जिसके कारण यूनिवर्सिटी ने आपका जो रिजल्ट है वो RLE मेंशन कर उसको होल्ड पे रख दिया है और उसको रीअपीयरमेंट की श्रेणी में डाल दिया है। अब रीअपीयरमेंट की श्रेणी में इसलिए डाला है कि या तो बच्चा उसका माइग्रेशन टाइम से दे दे, अदरवाइज वो एग्जाम बच्चों को दोबारा से देना पड़ेगा और इधर से यूनिवर्सिटी की जो एक रीअपीयरमेंट की फीस होती है उसकी की कमाई भी हो जाएगी। अब दूसरा जो स्नैरियो बच्चों का जो निकल के आ रहा है कि काफी बच्चों का मेरे पास रिजल्ट बच्चों ने व्हाट्सएप पे भेजा और उस पर आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, उसमें मान लो जो टोटल एक टोटल जो आपका चाहिए होता है ना कि कितने नंबर वाला बच्चा पास हो सकता है 80 में से, तो मान लो 32 नंबर देके 31 नंबर देके और नीचे लिख दिया पास प्रोविजनल। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चों को रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए जो बच्चे पास नहीं भी हो रहे थे उन बच्चों को भी पास कर दिया। चलो भाई ठीक है, 2-3 नंबर से बच्चों को मर्सी चांस दे दिया कि चल हम लोग आपको पास करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिजल्ट के नीचे मेंशन करने की क्या आवश्यकता थी कि आपको पास प्रोविजनल किया गया है। तो गाइस, ये वाली जो सिनेरियो है काफी बच्चों के सामने आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से जो नई जो कंट्रोलर जो चांसलर यूनिवर्सिटी में आई है, डेफिनेटली रिजल्ट उन्होंने काफी जल्दी निकाल दिया है, पर ये जो रिजल्ट के अंदर इतनी ज्यादा जो खामियां बच्चों के साथ आ रही है ये कहीं ना कहीं क्या बच्चों को क्या है बहुत परेशान कर सकती है। अब काफी बच्चे मुझसे इसका सॉल्यूशन पूछते हैं कि सर हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जिस भी बच्चे का RLE है, जिस भी एजुकेशन कंसल्टेंट के थ्रू आप लोगों ने अपना एडमिशन लिया है या जिस भी कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि हमारा माइग्रेशन यूनिवर्सिटी में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ठीक है, अगर हमारा माइग्रेशन नहीं पहुंचा है तो उसको कौन पहुंचाएगा, अपने माइग्रेशन को जमा कराओ, अदरवाइज दोबारा से आपको रीअपीयरमेंट की फीस पे करके दोबारा से जब रीअपीयरमेंट का एग्जाम होगा जब आपको देना पड़ेगा, और जब भी इस बात की श्योरिटी नहीं है कि यूनिवर्सिटी दोबारा फिर आपका RLE लिख सकता है। तो गाइज, ये वाली जो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको अपने ही लेवल पर इन लोगों इस चीज को रेक्टिफाई करना होगा, या तो जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया है वो आपकी हेल्प करे या फिर कॉलेज का जो स्टाफ है वो आपकी हेल्प करे। अगर ये दोनों ही आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे तो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचेगा अपनी हर इन चीजों को रेक्टिफाई कराने का, वो आपको डायरेक्टली हरियाणा में जींद के अंदर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है वहां पर आप लोगों को जाना होगा और वहीं जाके अपने रिजल्ट को चेक करना होगा कि भाई मेरा माइग्रेशन या कोई मेरा डॉक्यूमेंट पेंडिंग तो नहीं है जिसके कारण यूनिवर्सिटी ने मेरे रिजल्ट के अंदर यह चस्पा कर दिया कि RLE। तो गाइज, ये एक्शन आप लोगों को लेना होगा। और रही बात ये कि जब प्रोविजनल रिजल्ट के अंदर, देखो यूनिवर्सिटी ने
एमडीयू की तरह रिजल्ट को निकालने की कोशिश की है। पहले मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी अपना जो रिजल्ट है वो गजट फॉर्म के अंदर निकालती है, मतलब एक पूरी पीडीएफ फाइल आ जाती है, उसमें आप अपना रोल नंबर सर्च कीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो हो सकता है कि हमारी जो लास्ट वीडियो है वो चांसलर तक पहुंची हो और इस बार सबसे पहले जो रिजल्ट है बच्चों को प्रोविजनल फॉर्म में दिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है। हो सकता है कि हमारी वीडियो की या हमारे जैसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर है जो वीडियो बनाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी वीडियो भी यूनिवर्सिटी के पास गई हो। तो देखिए ये एक बच्चों की हेल्प होती है और यही एक सोशल मीडिया की ताकत है आज के इस टाइम के अंदर। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो बच्चों का प्रोविजनल जो रिजल्ट निकाला गया है और बच्चों को पास प्रोविजनल किया गया है, ये आपकी मेन मार्कशीट में अगर आता है तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अगर यूनिवर्सिटी ने बच्चों को ग्रेस मार्क देकर, जो बच्चे फेल थे जो पास नहीं हो पा रहे थे, भाई थोड़ा मतलब क्योंकि यूनिवर्सिटी की छवि भी तो खराब हुई है ना, क्योंकि हर बच्चे की जुबान पर यही था कि ये यूनिवर्सिटी रीअपीयरमेंट ज्यादा देती है, री ज्यादा देती है पैसे कमाने के चक्कर में। तो उस छवि को धूमिलना, उस छवि को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए यूनिवर्सिटी ने इसके लिए क्या सोचा कि जो बच्चे फेल हैं 2-3 नंबरों से 4 नंबरों से, उन बच्चों को क्या है पास प्रोविजनल करके या एक स्पेशल चीज दिखा के उनको पास किया जाए। अगर यही चीज आपकी मेन मार्कशीट में आएगी तो बच्चों को थोड़ा सा और लगेगा यार, मतलब कोई भी मार्कशीट आपकी देखेगा और उसमें ये चीजें लिखी मेंशन होंगी तो कहीं ना कहीं अटपटी लगेगी। अगर यूनिवर्सिटी ने ये काम किया है तो बहुत अच्छी बात है, पर जो सेकंड जब आपकी मार्कशीट आएगी ना फाइनल, उसमें ऐसा ना करें क्योंकि बच्चों के साथ क्या है काफी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। होप मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाली वीडियो भी यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी उन तक पहुंचे और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उसको जल्द से जल्द निपटारा हो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोगों ने ये सारी मुद्दे डिस्कस किए कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चों के रिजल्ट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आई है। रिजल्ट आपको ही गाइज इंप्रूव कराना है, अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा, अपने कॉलेज वाले अच्छे तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, अदरवाइज आप लोगों को ही क्या मैदान में उतरना होगा और अपने रिजल्ट को इंप्रूव कराना होगा, नहीं तो रिजल्ट भी रखा रहेगा और आगे भी आप लोगों का कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो फीस भी वेस्ट जाएगी और आपका साल भी वेस्ट जाएगा। क्योंकि एनी हाउ आपका रिजल्ट है, आपका कैरियर है, आपको जॉब मिलेगी और आप आगे टीचर बनोगे, सिर्फ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटी तक पहुंचना ताकि ये सारी जो प्रॉब्लम है उनको रेक्टिफाई किया जा सके। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि जो बच्चों का रिजल्ट आया है उस पर हमने कुछ चीजों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है और कुछ चीजों को रेक्टिफाई भी किया है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आने वाले वक्त के अंदर और भी बेहतरीन वीडियो हम लोग आपके लिए बनाएंगे। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।